अच्छा स्टूडेंट, 2.9 से हमें दो चीजें मांगते हैं, एक पूछते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम उसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अच्छा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम एक डेरिवेशन लेते हैं, ये जहन में बिठा दें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम कितनी डेरिवेशन लेते हैं, एक। अच्छा मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम दो डेरिवेशन लेते हैं, कितनी डेरिवेशन लेते हैं, दो डेरिवेशन लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। अच्छा मैक्सिमम मिनिमम के लिए जब हम दो डेरिवेशन लेते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेशन को इक्वल टू जीरो रखते हैं, किस लिए रखते हैं, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। अब वो एक्स की वैल्यू आप सेकंड डेरिवेशन में पुट करते हैं, जब आप सेकंड डेरिवेशन में पुट करते हैं तो पुट करने के बाद अगर जवाब नेगेटिव आता है तो आपने उल्ट बोलना है, मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा, मिनिमम का मतलब होता है कम, लेकिन आपने उल्ट बोलना है। जब वो जवाब नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव तो आपको पता है वैल्यू कम होती है, तो आपने उधर बोलना है मैक्सिमम फंक्शन। जब आपका जवाब वो वैल्यू पुट करने के बाद एक्स की जवाब पॉजिटिव आता है तो आपने क्या बोलना है, ये मिनिमम फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन के लिए आपने दो डेरिवेशन लेनी है, फर्स्ट डेरिवेशन को इक्वल टू जीरो रखना है, उसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है, सेकंड डेरिवेशन में पुट करनी है, अगर जवाब नेगेटिव आ जाए तो उसे मैक्सिमम बोलना है, अगर जवाब पॉजिटिव आ जाए तो उसे मिनिमम फंक्शन बोलना है। आए करते हैं 2.9 का सेकंड वाला क्वेश्चन, तो आपको समझ आ जाएगी और आप इसे सॉल्व भी कर देंगे। आपको कहते हैं फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको तरीका बता दो, आप कर देंगे। मसलन आपको एक फंक्शन दे दिया गया है, इक्वेशन नंबर 2 की सेकंड वाली जो है, ये एक ही क्वेश्चन करूंगा, सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आप फर्स्ट डेरिवेशन लेंगे इसकी, तो ये आ गया 2x-1। आप फिर इसकी सेकंड डेरिवेशन लेंगे, ये ऊपर तो लाइन होती है, एक डेरिवेशन डबल लाइन तो डबल डेरिवेशन होता है, तो ये आपको पता जीरो हो जाएगी, ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये सेकंड डेरिवेशन होगी, ये पिछले काम है। आप फर्स्ट डेरिवेशन को आपने इक्वल टू जीरो रखना है, किस लिए, आपने एक्स की वैल्यू निकाल दी है, मैंने इक्वल टू जीरो रखा, इधर से 1 उधर जाकर प्लस हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई 1/2। सेकंड डेरिवेशन में पुट करो स्टूडेंट, तो जब मैंने 1/2 पुट किया तो इधर एक्स है नहीं, इधर 2 रहा, अब जो आप पॉजिटिव ही रहा है, तो आपने बोलना है मिनिमम फंक्शन। अब ये स्टूडेंट मिनिमम फंक्शन है, स्टूडेंट समझ आ गई। अच्छा मैक्सिमम मिनिमम, अब उसने कहा एक्सट्रीम भी फाइंड करो, एक्सट्रीम फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपने ये वैल्यू इसी ही फंक्शन में फिर पुट करनी है, जो फंक्शन है ये मिनिमम मैक्सिमम के लिए हम इतने ही काम करते हैं, जब वो एक्सट्रीम वैल्यू पे पहुंचता है ना तो हम ये एक्स की वैल्यू इसमें भी पुट करते हैं, तो आप पुट करें भाई, ये 1/4 आ गई, ये 1/2 है, ये 2 है, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये 1-2 आ जाएगा, अब ये -2 ही रहेगा, तो इसका भी एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -1/4 और -2/1, ये भी एलसीएम लेंगे तो ये 4 आएगा, ये -1 और ये -8 आ जाएगा, इस तरह ये -9/4 आ जाएगा आपके सामने ये फंक्शन, तो इस तरह ये एक्सट्रीम वैल्यू भी फाइंड कर दी। अच्छा जब वो मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा तो आपने एक ही डेरिवेशन और दो डेरिवेशन लेनी है, और लेकर फर्स्ट को इक्वल टू जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करनी है, अगर जवाब पॉजिटिव है तो मिनिमम, अगर जवाब नेगेटिव है तो मैक्सिमम है, इधर ही छोड़ देना है। लेकिन अगर वो एक्सट्रीम पूछता है तो आपने जो एक्स की वैल्यू आनी वो फंक्शन में भी पुट करनी है, और जो जवाब आएगा ये एक्सट्रीम वैल्यू। ये था स्टूडेंट हमारा सेकंड चैप्टर डेरिवेशन वाला, जिसको हमने सॉल्व किया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।